नमस्ते दोस्तों, मैं दीपा स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नाइट क्रीम बनाना कैसे है, वो भी आपके किचन से। जो भी आपके किचन में इंग्रेडिएंट होते हैं उनसे आपको नाइट क्रीम बनाना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे नाइट क्रीम बनाते हैं। सबसे पहले लेने हैं आपको एलोवेरा जेल। आप अपने हैंड पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, इतना सा। इसके साथ ही आपको लेने हैं आमंड ऑयल 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप आमंड ऑयल। और इसके साथ ही आपको लेने हैं थोड़ा सा देसी घी। ये देखिए इतना सा, थोड़ा सा देसी घी। अपने हाथ पे भी इसे आसानी से इसे मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, या फिर आप किसी वॉल में भी इसे मिक्स करके रख सकती हैं। तो ये अच्छे से इस तरह से देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, रात में सोने से पहले सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है। एक वाइप ले रही हूँ मैं, वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। जब भी आप रात में सोने जाएं तो उससे पहले अपने फेस को क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि आपके स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप रात में सोने से पहले अपने स्किन को अच्छे से फेस वॉश करके ही सोएं। और ये होममेड नाइट क्रीम अगर आप यूज करेंगी तो आप इसका रिजल्ट कम से कम 10 दिन अगर आप लगाएंगी तो इसका रिजल्ट आप देख पाएंगी। ये 1-2 दिन में बिल्कुल भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखिए अगर आपका स्किन ड्राई है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो डोंट वरी, ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप ऑयली स्किन वाले भी आराम से लगा सकते हैं। देखिए एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ हमारा ये नाइट क्रीम किचन में ही मिल गया। ये आपके स्किन से रिंकल्स, पिंपल्स, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। देखिए देखिए इस तरह से 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आप इसे लिप पे भी अप्लाई कर सकती हैं। आमंड में विटामिन ई होता है, ये आपकी लिप को भी हाइड्रेट रखेगा। आप इसे अपने हाथों पे भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए हमारा होममेड नाइट क्रीम मैं बना के लगा भी चुकी। तो कैसा लगा आज तक का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप भी ये नाइट क्रीम ज़रूर यूज कीजिए और अच्छा लगे तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें।